नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इन दिनों पंचायत चुनाव की गहमा गहमी चल रही है और जीत के लिए प्रत्याशी अपने अपने वार्डों में पूरा जोर लगा रहे हैं। जिला पंचायत विदिशा के वार्ड क्रमांक 9 से देवेंद्र रघुवंशी का प्रचार जोरों पर है और उनको जनता का काफी आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है। प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के करीबी माने जाते हैं और वार्ड क्रमांक 9 के ग्रामीण क्षेत्र में उनका काफी अच्छा प्रभाव है। हमेशा क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, जिसका उनको आज लाभ मिल रहा है। जिला पंचायत के त्योंदा बागरोड वार्ड में देवेंद्र रघुवंशी को काफी समर्थन मिल रहा है। हम इस समय त्योंदा मौजूद है और जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं। पूरा क्षेत्र इन दिनों प्रत्याशियों से भरा पड़ा हुआ और यहाँ पर एक से एक प्रत्याशी मैदान में है। हमारे साथ जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 9 के प्रत्याशी देवेंद्र रघुवंशी हैं। उनसे जानना चाहेंगे जिला परिषद का जो चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या उनका उद्देश्य और किस प्रकार की राजनीति को यहाँ पर वो नई दिशा देना चाहेंगे। स्तरीय चुनाव में 2022 जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 9 से मैं प्रत्याशी हूँ। यहाँ मैं विगत 3 वर्षों से लगातार लोगों के सारे गांव के लोगों के संपर्क में हूँ। उनकी छोटी मोटी मूलभूत समस्याओं को भी निराकरण के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ मैंने 102 गांव में अधिकतर गांव में सबसे बड़ी समस्या पानी की देखी, शुद्ध पेयजल की सबसे बड़ी समस्या। उसका सबसे बड़ा कारण है भूजल स्तर का नीचे जाना। मेरा सबसे बड़ा प्रयास यही रहेगा, अगर क्षेत्र की जनता ने, और मुझे पूर्ण विश्वास है क्षेत्र की जनता मुझे चुनेगी, पीएचई विभाग द्वारा अपनी सरकार की सहायता से सबसे पहले मैं पानी के स्वच्छ पानी की जल की व्यवस्था में करूँगा। ये हमारे साथ प्रत्याशी देवेंद्र रघुवंशी और यहाँ की जो मूलभूत जो समस्या है पेयजल की, उसको लेकर इनका प्रमुख ध्यान है और जनता से जो वोट मांग रहे हैं तो उनकी समस्याओं को ध्यान में रखकर वोट मांग रहे हैं और आगामी दिनों में ये देखना लाजमी होगा जिला पंचायत के चुनाव में कितने बड़े बड़े दिग्गज जीत के जाते हैं और कहाँ अपनी जगह और पोजीशन बनाते हैं। टाइम न्यूज के लिए गंजवाजल विजय रघुवंशी की रिपोर्ट। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर, लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।